आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ सुरक्षित सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ टॉट योगा में आप सबका ज्ञान योग, धर्म योग और सफलता योग प्राप्त कराने के लिए आज हम देखेंगे कि बुध के नीचता के कारण, बुध दोष के कारण परेशान करोड़ों लोग भारत में, कहीं आप भी तो नहीं हो। अगर नसें कंप रही है कोई ग्लास लेते समय, किसी वस्तु को लेते समय, कटोरा, कोई किताब लेते समय, अगर शरीर कंपित हो रहा है, नसें दुर्बल हो रही है, निश्चित ही आप बुध दोष से ग्रसित हो और व्यापार कर रहे हो, व्यापार में कोई प्रकार से लाभ नहीं हो रहा है, नौकरी कर रहे हो, बहुत मेहनत करके भी प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। अगर आप एक्टर बनना चाहते हो, म्यूजिशियन बनना चाहते हो, कला के क्षेत्र में नृत्यकार, कोई भी प्रकार के लेखक आदि बनना चाह रहे हो, डायरेक्टर बनना चाह रहे हो, राइटर बनना चाह रहे हो और जीवन में कुछ भी सोच के नहीं हो रहा है, तो समझना कि अब आ गया दिन, आज आ गया शुभ दिन आपके लिए, जो बुध को बलवान करने के लिए वाराहीपति भगवान उन्मत्त भैरव को, आप ध्यान रखें, एक जमाने में बड़े से बड़े चेर चोल पांड्य राजा भी, बड़े से बड़े महाराजा चक्रवर्ती भी युद्ध के में जाने के पहले भगवती वाराही को नमस्कार करके जाते थे, क्योंकि वाराही के पति उन्मत्त भैरव प्रसन्न हो गए तो हर युद्ध में विजयी होना निश्चित था। जो मदोन्मत्त रहते हैं और ये क्षण में प्रसन्न होकर के भक्तों को वरदान दे देते हैं, ये उन्मत्त भैरव बुध ग्रह के नायक हैं। नायक प्रसन्न हो जाएं तो ग्रह को प्रसन्न होना ही है, और जो लोग विभिन्न प्रकार के कर्म करके आज तक प्रगति नहीं पाए, उन सबको, आप सबको जो दुखी हो, आप कुछ मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन बढ़ नहीं पाए, तो आपके लिए मेरा आज ये आशीर्वाद है कि अति दुर्लभ उन्मत्त भैरव की गायत्री से सर्व मंगल होगा। और इसके साथ और भी विशिष्ट उन्मत्त भैरव का लाभ किसी को पाना है, जो व्यापारी लोग हैं, 12 राशि के कोई भी व्यक्ति, 27 नक्षत्र के कोई भी व्यक्ति हो, आंख मीच के उन्मत्त भैरव को याद करके इस छोटी उंगली में सोने में पन्ने की अंगूठी पहन लें, और वो पन्ना करीब 6 कैरेट का हो, और बुधवार के दिन ये पहने तो निश्चित उन्मत्त भैरव की कृपा होती है। ये कुछ नहीं करना हो तो सिर्फ 12 बार आप उन्मत्त भैरव की गायत्री बुधवार के दिन सुबह में उठने के बाद शौच दंत दावन स्नान आदि करने के बाद दांतुन वगैरह आपसे निवृत्त होके अपने इष्ट के पूजा कमरे में बैठ के इष्ट के नाम से धूप दीप करके वहाँ बैठ करके श्री उन्मत्त भैरव की महाकृपा को प्राप्त करने के लिए आप सिर्फ 12 बार इस जाप को कहें। आप ऐसे 12 बुधवार करके देखें, निश्चित ही अलौकिक शक्ति शरीर में, काम में, व्यापार नौकरी में, परिवार के सुख में, विभिन्न यश कीर्ति में, क्योंकि कला क्षेत्र में सेलिब्रिटी बनने में, हर प्रकार के कार्य सफलता में श्री उन्मत्त भैरव बुध ग्रह के नायक हैं। ऐसे महानायक को नमन करके आप 12 बार उन्मत्त भैरव की गायत्री बोलें, निश्चित विजय प्रदान करने वाले उन्मत्त भैरव निश्चित ही लाभ देंगे। ओम महामंत्राय विद्महे वाराही मनोहराय धीमहि तन्नो उन्मत्त भैरव प्रचोदयात्। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ सुरक्षित सुखी एवं समृद्ध रहें।